मस्त मैच चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आठवीं कक्षा का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में जो इस चैप्टर के बारे में पूरा परिचय है, चाहे वो समवृत्त से संबंधित है, चाहे वो क्रम विनिमेय है, चाहे वो साहचर्य नियम है, उसके बारे में आप वीडियो जरूर देखें। बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर बिल्कुल आपके कंसेप्ट पूरे चैप्टर के परिमेय संख्याओं के क्लियर मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, पहली एक्सरसाइज परिमेय संख्याओं की। और पहली एक्सरसाइज में पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर एक का फर्स्ट पार्ट है, यानी उचित गुणधर्म के उपयोग से मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें, माइनस 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। और सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से है, 2/5 गुणा माइनस 3/7 ब्रैकेट में माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर एक का फर्स्ट पार्ट। ये बच्चों आपके सामने है प्रश्न नंबर एक पहला भाग। इसमें हमने एक तो ये बताना कि कौन सा गुण धर्म लगेगा और फिर इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? जैसे अब देखिए, इसमें और इसमें ये एक पद है जहां पर प्लस और माइनस यानी गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा वाला तो एक ही पद होगा, ये इकट्ठा एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, यानी तीन पद है इसमें, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। फिर क्या करें हम इसको आगे ले आए, क्योंकि 3/5 इसमें भी है, इसमें भी है, तीसरे पद में इसको आगे ले आएंगे, माइनस 2/3 गुणा 3/5 और इस पद को आगे लेके आएंगे माइनस 3/5 गुणा 1/6 प्लस 5/2। और यहां पर कौन सा नियम लगा आपका? क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय में क्या होता है कि अगर हम क्रम को आगे पीछे चेंज कर दें थोड़ा सा, जैसे 2+3 बराबर 3+2, यानी 2+3 भी 5 है, जैसे 2+3 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3+2, क्या कोई फर्क पड़ा? लेफ्ट साइड में 5 है, राइट साइड में 5 है। यही क्रम विनिमेय है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक है, यानी क्रम विनिमेय क्या होता है, योग का जो संक्रियाएं, चार संक्रियाएं होती है, योग पर क्रम विनिमेय, व्यवकलन पर क्रम विनिमेय, फिर भाग पर क्रम विनिमेय और गुणन पर क्रम विनिमेय, वो हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की है। तो यहां पर अगर हम आगे पीछे क्रम चेंज कर दें, बस आपको ये बताना चाहूंगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था हमारा क्रम विनिमेय, इस पद को यहां ले आए। अब उसके बाद देखिए, यहां पर देखिए 3/5 दोनों में, तो 3/5 कॉमन है, 3/5 ब्रैकेट में, यहां पर क्या बचा? 3/5 तो बाहर आ गया, माइनस 2/3 और यहां पर क्या बच गया? माइनस का तो बचेगा ही निशान, क्योंकि प्लस का 3/5 कॉमन लिया है, 1/6 और प्लस 5/2 यूं का यूं रहेगा, बराबर 3/5 ब्रैकेट में। इसका लघुत्तम लेंगे, मैंने पहले बताया था लघुत्तम जो होता है बड़ी संख्या होती है या उसका गुणांक, जैसे 6 अगर 3 से 6 पूरा भाग नहीं होता, 6 × 12 = 18, ऐसे इसका लघुत्तम होता, इसका लघुत्तम या ऐसे भाग विधि से निकाल के देख सकते हैं। तो हम इसका लघुत्तम लेंगे, 6 आया, 3 × 6 2 पर चला, 2 × 4 माइनस के 4, 6 × 6 माइनस 1 प्लस 5/2 या 3/5 गुणा माइनस के 4 माइनस के 5/6 प्लस 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 3 × 3 3 × 6 यानी हम कह सकते हैं माइनस का 1/2 प्लस 5/2, लघुत्तम कितना आएगा? 2 ही आ गया, माइनस 1 प्लस 5 कितना आ गया यहां पर? माइनस 1 प्लस 5 4/2 या 2 × 4 = 2, तो इसका आंसर कितना आएगा?
दो आएगा। और यहां पर हमने कौन सा नियम लगाया है, कर्म में विनिमय, और यहां पर हमें वितरकता नियम, वितरण का नियम, ये जहां पर हमने कॉमन लिया ना, यहां पर हम वितरण का नियम कहेंगे इसे। वितरण का नियम या वितरकता, ये यहां पर जब कॉमन ले लिया तो ये वितरण का नियम, दो नियम लगाकर हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अब हमें इसी प्रश्न का, प्रश्न नंबर एक का दूसरा पार्ट करेंगे, पार्ट सेकंड, प्रश्न नंबर एक का सेकंड पार्ट आपके सामने है। इसमें भी उचित गुणधर्म का उपयोग करके हमने मान याद करना है। ये देखिए बच्चों, ये सेकंड पार्ट, जैसे हमने पहला भाग किया बिल्कुल उसी प्रकार सेम। अब इसमें भी यदि हम देखते हैं, दो बटा पांच तीन बटा सात, इस पद में नहीं है कोई भी गुण, कहां पर है, इसमें है, तो वही कर्म चेंज कर देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में किया था हमने, दो बटा पांच ये एज इट इज रहेगा, तीसरे पद को आगे ले आएंगे, और ये कौन से नियम से आया, तीसरे पद से, क्यों, क्योंकि दो बटा पांच दोनों में कॉमन बढ़ गया, इसलिए इसको आगे ले आए थोड़ा सा। ये कहेंगे हम कर्म विनिमय, कौन सा नियम है, कर्म विनिमय। अब इसमें दो बटा पांच कॉमन ले लिया दोनों में, यहां पर माइनस तीन बटा सात प्लस एक बटा चौदह माइनस एक बटा छह गुना तीन बटा दो, वितरण का नियम या वितरकता, ये वितरण का नियम लगा दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट आपस में कॉमन दे। अब देखिए दो बटा पांच यू का यू ब्रैकेट में, इसका लघुत्तम चौदह आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, जब हम लघुत्तम लेते हैं तो भाग विधि से निकालिए, नहीं तो जितने भी हर है, हरों की संख्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या या तो वही उसका लघुत्तम होगी, और बाकी संख्याओं से भाग करके देख लीजिए, जैसे सात में चौदह, एकदम चौदह ही है। अगर चौदह नहीं होता भाई, जो यहां पर मान लीजिए और कोई भी संख्या होती, तो हम क्या करते, उस संख्या का गुणांक, यानी चौदह नहीं अट्ठाईस, चौदह किया बयालीस, चौदह सौ के छप्पन, इस प्रकार से उसका लघुत्तम होना था। दो पर चला, दो किया छह माइनस छह प्लस एक, इसको काट दीजिए, माइनस एक बटा चार, या हम कह सकते हैं दो बटा पांच गुणा माइनस के पांच बच गए बटा चौदह, पांच से पांच ये, और माइनस एक बटा चार एज इट इज रहेगा यू का यू। अब यहां पर क्या बन गया, ये माइनस का एक बटा सात और माइनस एक बटा चार, या लघुत्तम आ गया अट्ठाईस। अब देखो बच्चों, इसमें कैसे लघुत्तम लिया हमने, सात और चार, मैंने बताया था जो बड़ी संख्या होती है या तो वो लघुत्तम होता है या उसका गुणांक, सात चार से नहीं होता, सात नहीं है, सात उन्नीस चौदह, चौदह भी चार से नहीं होता, नहीं है, सात या इक्कीस, इक्कीस चार से होता है, नहीं, सात चौका अट्ठाईस, अट्ठाईस चार से होता है, अट्ठाईस लघुत्तम है इसका। इस प्रकार से हम ले सकते हैं, चार पर चलेगा माइनस चार और ये सात पर माइनस सात, यानी माइनस इक्कीस बटा अट्ठाईस, ये आपका पहले सवाल का दूसरा पार्ट। प्रश्न नंबर दो आपके सामने है, इसमें योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। प्रश्न नंबर दो आपके सामने है, योज्य प्रतिलोम, आंसर है दो का फर्स्ट पार्ट, दो बटा आठ आपके सामने प्रश्न देख लीजिए, दो बटा आठ का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, का योज्य प्रतिलोम हमने पहले वाली वीडियो में किया है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या वही रहती है, सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे पांच है, पांच का योज्य प्रतिलोम माइनस पांच होगा, या हम कहें मूल संख्या
वह योज्य प्रतिलोम से प्राप्त संख्या का योगफल हमेशा शून्य आता है। जैसे पांच है, उसका क्या आया? योज्य प्रतिलोम माइनस पांच, पांच और माइनस पांच को जोड़ेंगे क्या आया? शून्य। वही ए बटा बी, मान लीजिए ए बटा बी है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस ए बटा बी होगा। बस संख्या वही रहेगी, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, और जो योज्य प्रतिलोम आएगा मूल संख्या में जोड़ने के बाद जीरो बन जाता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बड़ा डिटेल से किया है। दो बटा आठ का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? माइनस दो बटा आठ, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे शून्य आ जाएगा। सेकंड पार्ट दूसरे का ही, सेकंड पार्ट में आपके सामने है माइनस पांच बटा नौ। माइनस पांच बटा नौ का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? ऐसे लिखेंगे, माइनस पांच बटा नौ का योज्य प्रतिलोम, संख्या वही, निशान माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, पांच बटा नौ आ जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है? माइनस छह बटा माइनस पांच, पहले माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस छह बटा पांच हो गया। इसका छह बटा पांच का योज्य प्रतिलोम माइनस छह बटे पांच, क्योंकि प्लस था माइनस का आ जाएगा। चौथा भाग इसी का, इसके फोर्थ पार्ट में दो बटा माइनस नौ, दो बटा माइनस नौ का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा बच्चों? माइनस के है, संख्या वही रहेगी, दो बटा नौ संख्या तो वही रहेगी, निशान माइनस का क्या होगा? प्लस। बस और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है। और अगर नाम पता लगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए शून्य, इनको जोड़िए शून्य, इनको जोड़िए शून्य, इसको जोड़िए शून्य, योज्य प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, चिन्ह बदलता है। और अब 19 बटा माइनस छ का योज्य प्रतिलोम, 19 बटा माइनस छ तो प्लस का आ जाएगा, 19 बटा में 6 प्लस का आ जाएगा। ये था आपका प्रश्न नंबर दो, चिन्ह बदला, संख्या वही, और दोनों मूल संख्या, वह योज्य प्रतिलोम का जब हम टोटल करते हैं शून्य आता है, ये होता है योज्य प्रतिलोम। प्रश्न नंबर तीन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है x बराबर 11 बटा 15, और सेकंड पार्ट है x बराबर माइनस 13 बटा 17 के लिए सत्यापित कीजिए। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट सत्यापित ये करना है, जब हमने ये सत्यापित करना है इसका मतलब क्या हुआ? जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में होना चाहिए, बस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो तो क्या हो जाता है? सत्यापित। और यहां पर क्लियर है कि ये एक्स है, ये एक्स का योज्य प्रतिलोम है। मैंने पहले भी पहले वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से चर्चा की है कि योज्य प्रतिलोम, या हम इसको ऋणात्मक संख्या भी कह सकते हैं, उस मूल संख्या की, जैसे ये इसकी ऋणात्मक है, या हम कह सकते हैं ये इसका योज्य प्रतिलोम। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड में क्या है कि योज्य प्रतिलोम के जब हम माइनस से गुणा करते हैं योज्य प्रतिलोम को, तो मूल संख्या आ जाती है। ये हमने सत्यापित करना है, क्लियर हुआ नहीं? कि योज्य संख्या के योज्य प्रतिलोम को, ये योज्य प्रतिलोम में माइनस से गुणा करें तो मूल संख्या वही आ जाती है। जैसे, और वो हम कैसे सिद्ध करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसके राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट बाएं पक्ष, राइट दायां पक्ष, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष माइनस माइनस एक्स या बराबर माइनस एक्स की जगह एक्स का मान रख दीजिए, माइनस 11 बटे 15, या हम कह सकते हैं इसका जो योज्य प्रतिलोम माइनस 11 बटे 15 है, बराबर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 11 बटा 15। लेफ्ट हैंड साइड में 11 बटे 15 है, राइट हैंड साइड में एक्स के बराबर है, यानी बायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष में क्या है? एक्स, या बराबर 11 बटे 15। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है?
राइट हैंड साइड, यही हमने सिद्ध करना था। इसी का सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है? माइनस माइनस एक्स या बराबर माइनस, माइनस और माइनस से इसमें पहले भी है ये कर, या माइनस और माइनस माइनस प्लस के 13/17, या प्लस के 13/17 होगा नहीं, माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 13/17। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? एक्स। तो हम करेंगे एक्स, या एक्स बराबर कितना है राइट हैंड साइड में, एक्स बराबर 13 - 13/17। तो अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर किसके हो गया, दायां पक्ष। यही चीज हमने सिद्ध कर ली थी। इसमें प्रश्न नंबर है 4 में निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट -13, सेकंड पार्ट -13/19, थर्ड पार्ट 1/5, फोर्थ -5/8 गुणा -3/7, फिफ्थ पार्ट -1 - -2/5, सिक्स्थ -1। अब गुणात्मक प्रतिलोम, अभी हमने योज्य प्रतिलोम किया था। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, चिन्ह नहीं बदलने हैं, ये ध्यान रखना है, चिन्ह सेम रहेगा, संख्या पलट जाएगी। यानी जैसे a बटा b है तो क्या बन जाएगी, b बटा a। अगर माइनस a बटा b है तो माइनस के b बटा a ही रहेगा, यानी चिन्ह समान रहेंगे। योज्य प्रतिलोम में हमने क्या किया था, संख्या नहीं बदली, संख्या जैसे 5 है संख्या वही रही और उसमें चिन्ह बदल दिया था। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, जैसे इसमें a बटा b है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा b बटा a। और जब हम आपस में इसको कैंसिल करेंगे, ये बराबर किसके आता है, a के। यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, जब उन दोनों मूल संख्या और गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, हमेशा एक आता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, संख्या का चिन्ह वही रहेगा, निशान नहीं पलटेगा, सिर्फ संख्या पलट जाएगी, a बटा b का b बटा a हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान है। पहला भाग देखिए, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, बराबर ये -13/1 भी कर सकते हैं, हम बटा में एक लिखते नहीं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/-13। और जब इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, -13 × 1/-13 वही एक आ जाएगा, एक आना चाहिए। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, बराबर कितना आएगा, 19/-13। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस ऊपर नीचे में, 19/ कितना आ जाएगा, -13। निशान वही रहेगा, सिर्फ संख्या पलट जाएगी। और जब इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणनफल एक आएगा, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, बराबर 5/1 या 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें कोई कैंसिल होता है, नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, 15/56 बन गए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, -56/15, संख्या पलट गई। अब इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, 2/5 का 5/2, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका क्या आएगा, 1/1 क्या आएगा बच्चों, देखिए -1/1 मान के चले, या
एक बटा माइनस एक आ जाएगा, बटा माइनस एक करें या माइनस एक ही कर दें, एक ही बात है। जब माइनस एक और माइनस एक की गुणा प्लस का एक, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम और मूल संख्या गुणनफल हमेशा एक आता है। देखिए ये मूल संख्या सारी, यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम है, जब इन दोनों की गुणा करेंगे गुणनफल हमेशा एक आएगा। प्रश्न नंबर पांच का पहला पार्ट, प्रश्न नंबर पांच फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर पांच में पहला भाग क्या है, माइनस चार बटा पांच गुणा एक बराबर एक गुणा माइनस चार बटा पांच बराबर माइनस चार बटा पांच, यानी कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है इसमें, क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है। ये एक गुणात्मक तत्सम का मतलब क्या हुआ, गुणात्मक तत्सम क्या होता है कि किसी भी संख्या को जब एक से गुणा करते हैं तो वही मूल संख्या आ जाती है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम ये कहें ए गुणा एक बराबर एक गुणा ए बराबर ए, वही आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं ए गुणा एक बराबर किसके हुआ, एक गुणा एक, यानी किसी भी संख्या को यदि एक से गुणा कर दी या एक को किसी संख्या से आगे पीछे करके क्रम चेंज करके गुणा कर दी, आएगा ए ही। तो ये एक गुणात्मक तत्समक है। इसके पहले पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए माइनस चार बटा पांच को ए मानते, एक गुणा एक बराबर एक गुणा ए बराबर एक ही आएगा, इसका मतलब एक गुणात्मक तत्समक है। दूसरा सेकंड पार्ट इसमें क्या है, ये क्रम में विनिमयता, सेकंड पार्ट कौन सा गुणधर्म है, क्रम में विनिमयता। इसमें भी क्या है, जैसे a गुणा बी अगर हम ये कर दें a गुणा बी बराबर b गुणा ए, जैसे a क्या है इसमें सेकंड पार्ट में देखिए रकम के अंदर देख लीजिए आप, जैसे माइनस तेरह बटा सत्रह मान लीजिए ए है, दो बटा सात क्या है माइनस दो बटा सात बी, ए गुणा बी संख्या पंच नहीं बी गुणा ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये कौन सा गुणधर्म हुआ, क्रम में विनिमयता। और थर्ड पार्ट है इसका आपके सामने देख लीजिए, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस उन्नीस बटा उनतीस गुणा उनतीस बटा माइनस उन्नीस बराबर एक के, यानी गुणात्मक प्रतिलोम लगा हुआ है इसके अंदर, क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणधर्म लगा हुआ है। ये कैसे कि जैसे मान लीजिए पहली संख्या क्या a बटा b और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा b बटा a, और इन जब दोनों की गुणा करें गुणनफल हमेशा एक आएगा। वही है इसमें तीसरे पार्ट में, क्या है माइनस शून्य बटा उनतीस a बटा b है, और जो उनतीस बटा माइनस शून्य b बटा a है, जब दोनों की गुणा करेंगे एक के बराबर आता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणधर्म लगा हुआ है। ये था आपका प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न नंबर छह आपके सामने है, छह बटा तेरह को माइनस सात बटा सोलह के विरुद्ध क्रम से, इसमें एक संख्या दी हुई है कितनी, छह बटा तेरह को गुणा किससे करनी है, माइनस सात बटा सोलह के विरुद्ध क्रम से। पहले माइनस सात बटा सोलह का व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे व्युत्क्रम क्या आएगा, उल्ट देंगे बस, और तो कुछ निशानी है, सोलह बटा माइनस सात। अब इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपके सामने है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, छह बटा तेरह को गुणा किससे करनी है, इसके व्युत्क्रम से, सोलह बटा माइनस सात से। अब कोई कैंसिल होता नहीं, अंश अंश की गुना हर हर की गुना, छियानवे बटा माइनस इक्यानवे, यह आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर छे, या छियानवे बटा माइनस इक्यानवे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस छियानवे बटा इक्यानवे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस छियानवे बटा इक्यानवे, तब भी वही बात है। तो ये है इसके दोनों का गुणनफल। प्रश्न नंबर सात में कौन सा गुणधर्म लगा इसके अंदर, साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म
या हम इसको सहचारिता भी बोल देते हैं। जैसे पहले वाली वीडियो में हमने, आप बच्चों उसमें देखना पूरी डिटेल से किया, उसमें हमने डिस्कस, पहले वाली वीडियो में हमने सहचर्य गुणधर्म को किया था। कैसे कि जैसे ए गुणा बी गुणा सी, मान लीजिए ऐसे है, ए गुणा बी गुणा सी बराबर होगा ए गुणा बी गुणा सी के, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पीछे वालों के दो ब्रैकेट लगा दिया, इस पीछे वाले दो पदों के, यहां इसको आगे ले आए, इनके ब्रैकेट लग गए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बिल्कुल सातवें प्रश्न में वही है, एक बटा तीन को यदि ए मान लें और छह को बी मान लें और सी किसको मान लें, चार बटा तीन को, फिर ए गुणा बी गुणा सी, फिर ए गुणा बी गुणा सी बराबर आएगा, यही क्या कहता है, सहचर्य गुणधर्म। ये था आपका प्रश्न नंबर है सात। आठ आपके सामने है, क्या माइनस एक से एक बटा आठ का गुणात्मक प्रतिलोम आठ टर्म है, क्यों अथवा क्यों नहीं, हमने ये बताना है कि क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। प्रश्न नंबर आठ, ये जैसे माइनस एक सही एक बटा आठ, माइनस नौ बटा आठ मान लीजिए इसके बराबर है और इसका गुणात्मक के प्रतिलोम आठ बटा नौ दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, आठ बटा नौ का गुणात्मक प्रतिलोम। हमने ये बताना क्या ये सही है या गलत। पहली बात तो बच्चों मैंने पहले बता दिया, यहां माइनस का निशान है, यहां प्लस का, इसका मतलब है ही नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, नहीं पॉसिबल हो सकता। मैंने गुणात्मक प्रतिलोम में बताया था आपको लास्ट वीडियो में, देखिए आप पूरा डिस्कस किया है कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, क्या है संख्या, क्या होती है संख्या, चेंज हो जाती है कि गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे इसका माइनस एक सही एक बटा आठ बराबर माइनस नौ बटा आठ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटा नौ है या नहीं। मैंने पहले भी बताया था, इसे लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया हमने, कि जो गुणात्मक प्रतिलोम में है संख्या पलट जाती है, यानी के क्या होता है कि ए बटा बी का बी बटा ए हो जाता है, अंश का हर हर का अंश, लेकिन चिन्ह समान रहता है, यहां पर माइनस का चिन्ह है, यहां पर प्लस का, इसका मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम हो ही नहीं सकता। फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, अगर हम इन दोनों की गुणा करके देखे थी एक के बराबर आता है, फिर तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, और यदि हम इसकी गुणा करें और एक के बराबर नहीं आता गुणनफल, तब ये गुणात्मक प्रतिलोम है नहीं है। अब देखिए स्थिति, माइनस नौ बटा आठ गुणा आठ बटा नौ, आठ से आठ नौ से नौ कैंसिल, माइनस एक के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। प्रश्न नंबर नौ, क्या तीन सही एक बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। प्रश्न नंबर नौ, तीन सही एक बटा तीन बराबर तीन या नौ एक दस बटा तीन, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जीरो दशमलव तीन है क्या। पहले हमें जीरो दशमलव तीन का दशमलव हटाएंगे, तीन बटा दस हो जाएगा, जीरो दशमलव तीन क्या हो जाएगा, दस बटा तीन बटा दस। सबसे पहले हमें जीरो दशमलव तीन का दशमलव हटाएंगे, क्या हो जाएगा, जीरो दशमलव तीन बराबर तीन बटा दस। फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखना, पहली बात तो चिन्ह देखेंगे, चिन्ह बराबर है, इसका हो सकता है दस बटा तीन का उल्टा हो रहा है, सही है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। फिर भी वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, दस बटा तीन गुणा तीन बटा दस, जब हम इसको काटेंगे इसका गुणफल एक आता है, इसका मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रश्न नंबर दस, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है,
प्रश्न नंबर 10 का ए पार्ट, प्रश्न नंबर 10 का ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। ऐसी प्रीमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी कौन सी प्रीमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? शून्य। शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। जैसे मान लीजिए शून्य आएगा, फिर भी हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए शून्य है, शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? शून्य बटा एक, बटा में एक तो सभी संख्याओं के लिख सकते हैं। अगर हम इसका व्युत्क्रम लें, शून्य बटा एक का व्युत्क्रम क्या है? एक बटा शून्य। और जहां पर भी जीरो को किसी संख्या से भाग देना पड़ता है तो वो परिभाषित नहीं, हम कह सकते हैं ये परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है? ऐसी प्रीमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं वो शून्य है, इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता और सभी संख्याओं का होता है। सेकंड पार्ट आपके सामने, प्रीमेय संख्याओं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी सेकंड पार्ट में क्या, जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है, एक हुआ माइनस करके देख लीजिए, एक का व्युत्क्रम क्या हुआ? एक बटा एक या बराबर एक बटा एक वही आएगा। और माइनस एक का मान लीजिए माइनस एक, माइनस एक बटा एक या एक बटा माइनस एक, तब भी माइनस एक ही आएगा, यानी माइनस एक का भी व्युत्क्रम माइनस एक होता है और एक का भी एक। इसी का थर्ड पार्ट आपके सामने है, प्रीमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी प्रीमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है शून्य, शून्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए पांच माइनस जीरो, पांच आएगा, और पांच प्लस जीरो तब भी पांच आएगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो हमने जीरो को घटा दिया, जीरो जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये इसके ऋणात्मक के, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों के बराबर है, ये इसके ऋणात्मक के समान है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए। प्रश्न नंबर 11 का खाली स्थान भरने, शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है, फर्स्ट पार्ट 11 आपके सामने है। शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है, इसका मतलब शून्य का हमने पहले ही 10वें प्रश्न में किया था कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्या आएगा? नहीं, कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड पार्ट, संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है, अभी हमने 10वें प्रश्न में किया था ये भी। सेकंड पार्ट में एक व माइनस एक संख्याएं अपने व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी एक का व्युत्क्रम एक और माइनस एक का व्युत्क्रम माइनस एक। थर्ड पार्ट, माइनस पांच का व्युत्क्रम, थर्ड पार्ट में क्या आएगा? माइनस पांच का व्युत्क्रम आपके सामने है, माइनस एक बटा पांच। जैसे माइनस से क्या था? पांच बटा एक, या अगर हम उल्टा कर दें माइनस एक बटा पांच इसका व्युत्क्रम। और चौथा पार्ट, एक बटा एक्स का व्युत्क्रम एक्स होगा, यानी उल्टा कर दीजिए एक्स बटा एक। पांचवा पार्ट, दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, पांचवा पार्ट, दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रीमेय संख्या ही होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको, लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे चैप्टर की डिटेल डिस्कस की है हमने, हमने समरित के अंदर ये चर्चा की थी कि दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी, अगर ए और बी दो प्रीमेय संख्याएं हैं, उसका गुणनफल हमेशा एक प्रीमेय संख्या होता है। इसका अर्थ क्या है? प्रीमेय संख्याएं क्या है? गुणन के अंतर्गत समरित है, वो हमने पूरी चर्चा की थी। तो वही है, ये क्या आ गया? ये प्रीमेय संख्या, किसी धनात्मक प्रीमेय संख्या का व्युत्क्रम, यानी कोई धनात्मक प्रीमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा। क्या होगा? धनात्मक। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।